Hello friends, today we are going to discuss about the bookmark feature of Wakelet. What is bookmark? How it is utilized in collections during your collection creation or after collection creation? Here we will learn each and every steps regarding this one. First of all, I am going to log in to my Wakelet Android mobile app. Here is my app. I am already logged in. You are just looking here the total screen, home screen, that is the collections. See below, नीचे देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है collections, bookmarks, search, notifications और profile. हम bookmarks में जाएंगे, उसके पहले मैं केवल define कर दूँ what is bookmark और what is bookmarks. Bookmarks are the all items which you have even ever saved this in any collection of the Wakelet. Anything which you have saved inside the Wakelet, that is automatically goes to bookmarks. That one is called the bookmark. Every item which you have ever added in Wakelet is known as the bookmark. Now, practically we will see how we will utilize, how we may search, edit, delete or even add bookmarks into any collection. I'm just going. ये हम बुकमार्क में आ गए. देखिए ये बुकमार्क्स, सारे बुकमार्क्स हैं यहाँ पे. ठीक है, एक और अल्टरनेट विधि भी है, मैं वो भी दिखा दूँगा. आप पहले सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड समझिए. ये बुकमार्क्स, ये नीचे बना हुआ है सिंबल, इसका आएंगे, हम टच करेंगे इस आइकन को, हमारे पास ये स्क्रीन आएगी. हम केवल मोबाइल के लिए बता रहे हैं, ये ध्यान रहे हमेशा, ये मोबाइल ऐप के लिए. हम यहाँ सेलेक्ट आइटम्स टच करेंगे, ये वाला स्क्रीन देख रहे हैं आप, सेलेक्ट आइटम्स, राइट. अब देखिए सबके सामने बन के स्क्वायर ब्रैकेट आ गया. इसमें जिसको भी हम जहाँ भेजना चाहें, सपोज हम एक या दो या मोर देन टू थ्री, कोई भी, यदि हम कहीं पे ऐड करना चाहते हैं या इन तीनों को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप देखिए नीचे ऑप्शंस आ गए. मान लूँगा अभी मैं ये डिलीट टच कर दूँगा, ये तीनों उड़ जाएंगे यहाँ से. तो हमें डिलीट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हम किसी कलेक्शन में जो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं. कलेक्शन आप जानते हैं व्हाट इज़ कलेक्शन. कलेक्शन किसी भी स्पेस के अंतर्गत या हमारे मेनू के अंतर्गत, प्रोफाइल्स के अंतर्गत बनाए गए वो वेक्स हैं, वो संग्रह है जो हम किसी विषय के, किसी टॉपिक के ऊपर बनाते हैं. उसमें डिफरेंट आइटम्स के नाम आइटम्स ऐड करते हैं. आइटम दैट इज़ कोई भी चीज़, इमेज, टेक्स्ट, जो हमारे पास जो भी चीज़ हम वहाँ ऐड कर रहे हैं, लिंक है, इमेज है, टेक्स्ट है, यूट्यूब से कोई लिंक है, ट्विटर से है, इंस्टाग्राम से, तो वो कलेक्शन है. उस कलेक्शंस में हम बुक्स मार्क्स में जो पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, कभी ना कभी हम इसको किसी कलेक्शन में जोड़े हुए हैं, उसको कैसे कहीं दूसरे कलेक्शन में या उसी कलेक्शन में ऐड करेंगे. देखिए ऐड टू कलेक्शंस करेंगे. अब जिस कलेक्शन में ऐड करना है, मान लीजिए हमें ये महाराणा प्रताप वाले में, ये वेकलेट मैनुअल में ऐड करना है, मैंने वेकलेट मैनुअल को टच किया, ये पूछेगा सेव टू वेकलेट मैनुअल्स. हम यहाँ सेव दबा देंगे और वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे आइटम्स चले जाएंगे. देखिए मैंने सेव दबा दिया, ये घूम रहा है सेविंग, ये सेव हो गया. अब हम कलेक्शन में जाएंगे, चेक करेंगे. हमने ये वेकलेट मैनुअल्स में ऐड किया है, देखिए क्या गया है. अब देखिए ये तीनों आके ऐड हो गए जो पहले से थे इसके पास, ये तीनों हमने अभी ऐड किए हैं. सपोज मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये थ्री डॉट को टच करूँगा, डिलीट मार दूँगा, ये डिलीट हो जाएगा. चूँकि इरिलेवेंट मैटर था इसलिए मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, आपको एक सीखने को भी मिल जा रहा है. एक तो ये तरीका हो गया कि बुक मार्क्स क्या हैं. एनी आइटम विच यू हैव एवर एडेड इनसाइड द वेकलेट गोज टू बुक मार्क्स एंड दोज आर कॉल्ड बुक मार्क्स.
अब तो एक ये तरीका था कि हम बुक मार्क्स में गए और वहाँ से ऐड किए। अब हम दूसरा एक तरीका देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक कलेक्शन है मेरा, वो था बुक मार्क्स के थ्रू गए और वहाँ से कलेक्शन में ऐड किए। अब हम कलेक्शन में आइटम्स के थ्रू जाएंगे और यहाँ से कहीं दूसरे जगह ऐड कर सकते हैं। सपोज ये मेरे आइटम्स हैं, कोई एक खोल देंगे, इसी को खोल देता हूँ मैं, ये आइटम है, इसको यहाँ से दबा के खोल दिया मैंने। ये खुल गया, ये देखिए ये कलेक्शन खुल गया। अब यहाँ ऊपर देखिए, इसमें ये आइटम, कोई आइटम है, एक ये आइटम, ये विकिपीडिया वाला ये आइटम है हमारा, एक इस कलेक्शन के अंतर्गत हम इसको खोल देंगे। ये देखिए खुल गया, ये विकिपीडिया खुल गया और उसमें राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में पूरी जीवनी खुल गई। ये हमने एक आइटम के तौर पे वहाँ ऐड किया था। अब हम इसको किसी दूसरे कलेक्शन में ऐड करना चाहें तो हम बुक मार्क्स में इसको ऐड कर लें। ये देखिए ये आइटम है, आप तो एक नया कलेक्शन क्रिएट करके वहाँ ऐड करें या पुराने में से किसी में ऐड कर दें। जैसे हम केवल दिखाने के लिए यहाँ इंटरनेशनल डांस डे वाले में इसको ऐड करना चाहते हैं, यदि इसको यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ये सेव फिर आया पूछेगा, इसको सेव कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके सेव हो गया, ये आइटम सेव हो गया। हमने आपको बताया बुक मार्क क्या है और दो विधियाँ बताई, एक बुक मार्क में जाकर और वहाँ से कैसे किसी कलेक्शन में ऐड करेंगे, एक दूसरा हमने बताया किसी कलेक्शन में जाएंगे, उस आइटम को खोलेंगे और उससे कैसे फिर हम किसी बुक मार्क करके कैसे किसी और कलेक्शन में ऐड करेंगे। दोनों साइड से मैंने बताया। ये देखिए अभी ये हमने ऐड कर दिया, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल डांस डे में और देखते हैं ऐड हुआ या नहीं। ये है इंटरनेशनल डांस डे, ये डिस्क्रिप्शन दिए, देखिए ऐड हो गया, ये देख लीजिए ये सब डांस के थे, ये वाला अभी ऐड हुआ है, विकिपीडिया महाराणा प्रताप विकिपीडिया यहाँ ऐड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा, मैं इसको यहाँ से डिलीट भी मार सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा क्योंकि ये रिलेवेंट हो रहा है इस डांस डे में। तो ये इस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वेकलेट में बुक मार्क यूटिलाइज किया जाता है, बुक मार्क है क्या और बुक मार्क से में जाके कैसे कलेक्शन में ऐड करेंगे और किसी कलेक्शन के आइटम में जाके किसी और कलेक्शन में उसको कैसे बुक मार्क करके ऐड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस रहा आज का, आज हम इतना ही बताना चाहते थे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।